ये पहाड़ अपने अंदर सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि कई कहानियां भी लिए बैठे हैं। जाने कितने मुसाफिरों को ये हर रोज नए किरदारों से मिलवाते होंगे। जमीन से आसमान को छू जाने वाले इन पहाड़ों ने हमें भी ये कहानी सुनाई। मेरा नाम नेक बहादुर है, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मेरा गांव रजबरा है, जिला प्युठान, नेपाल में मैंने खेती बाती का काम करता है। ट्रैकिंग करना तो शहर में रहने वालों के शौक हैं, पर पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए ये इतना आम हो जाता है कि उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है, और कोई चारा भी तो नहीं। और कुछ लोगों के लिए ये मजबूरी और घर चलाने का साधन। अनाज तो होता है, मेरा खेती के काम से गुजारा नहीं हो पाता था, मैंने सोचा ये लाइन छोड़ के दूसरा काम करना पड़ेगा। ये पहले आता था, ये हमारा साथी लोग गांव का आदमी, इसलिए आया। हम सिर्फ एक कहानी की तलाश में उत्तराखंड के इन पहाड़ों तक आए थे, पर इन पहाड़ों ने हमें इस कहानी के अंदर की कई कहानियां दिखा दी। हम हैरान थे और सवाल पूरे रास्ते ही हमारे मन में था कि ये छोटे कद का आदमी जो इतना वजन लिए चढ़ाई कर रहा था, इसके पैरों में ज्यादा जान थी, कंधों में, या फिर इसके इरादों में। ये समझ पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। इतना सामान लेके आम आदमी तो 10 कदम चल नहीं सकता, हम तो 100-100 किलो वजन लग के चढ़ाई में पहाड़ में चढ़ सकता है। जिंदगी का सफर और इन पहाड़ों के रास्ते काफी पेचीदा होते हैं। यहाँ की सकरी पगडंडियाँ, ऊंचे नीचे रास्ते, कभी पत्थर, कभी पुल, तो कभी सीढ़ियाँ, और ऊपर से कंधों में 70-80 किलो का वजन, घर में 3 वक्त का अनाज, बच्चों की स्कूल की फीस, सर के ऊपर छत और परिवार की खुशी के सामने बहादुर के लिए पहाड़ भी मानो सीधी सड़क ही हो। घर वालों के हंसते चेहरों से ज्यादा क्या ही प्रेरणा हो सकती है इस काम को चुनने और हर रोज करने के लिए। 3 लड़का है, 1 लड़की है, अभी तो स्कूल पढ़ रहे, 10 प्लस 2 में, अभी तो पढ़ रहे, पता नहीं क्या बनते हैं, वो तो भविष्य के बात है। मेरे से अच्छा बनना चाहती हूँ, मैं तो मजबूरी में फिर लेख पढ़ करके अच्छा आदमी बनूँ चाहती हूँ। एक दूसरे देश में बहादुर होना और बहादुरी से जीना कोई आसान बात नहीं। जहां आपकी पहचान सिर्फ आपका काम है, आपका नाम शायद कोई पहचानता भी नहीं। आप कहां रहते हो, किन हालातों में रहते हो, इतनी खूबसूरत वादियों में आपकी सुबह कैसे और कहां होती है, शायद बहादुर के घर वाले भी इससे अनजान हैं। इसे भी नहीं, 250 रुपये रात का देना पड़ता है सोने के। नेपाल में पैसा के कमी है, ये पैसा के चक्कर में यहाँ पे जितना कमाइए उतने खर्चा भी हो जाते हैं। इतना घर परिवार से दूर रहते हैं, इतना मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। शायद हर वो इंसान बहादुर है जो अपने घर से इतनी दूर अकेले रहता है ताकि घर वापस पैसे भेज सके। ये बहादुर हैं क्योंकि समय और मौसम इनका निश्चय हिला नहीं पाते। बहादुर ने कई बार काम बदले, कभी मजदूरी, कभी थाईलैंड के एक फैक्ट्री में काम, कभी किसानी तो कभी पिट्ठू। शायद ही इनकी कमाई इनकी मेहनत जितनी हो, पर कम पैसे भी इन्हें हर रोज घांगरिया की चढ़ाई करने से नहीं रोक पाए। पूरा दिन भर इतना मेहनत करते हैं तब भी मजदूरी इतना नहीं मिल सकता है। पहले नेपाल में भी गोदा उठाने का काम था, तब यहाँ पे यही गोदे उठाते, कभी कभी यात्रा डाउन होता तो समय खर्च किराए कम होता तो फिर गहरी मजदूरी पत्थर पुत्थर से तोड़ के बजरी बुजरी लड़ी से निकाल के भी किराए कमाते जाते। ईमानदारी का कमाता हूँ, ईमानदारी का खाते पीते। जब हम नहीं होंगे, जब हमारा मिनट हमारा काम का समझ में आ जाएगा। इस समाज ने तो माँ सीता की भी अग्नि परीक्षा ले ली थी। दुख की बात है कि हर रोज इस समाज में किसी न किसी ईमानदार इंसान को अपनी ईमानदारी का सबूत देना पड़ता है, और अक्सर कटघरे में ईमानदार लोग ही गुनहगार साबित हो जाते हैं। और इस छोटे से गांव में रहने वाले लोगों के लिए तो शायद मेघ बहादुर उनके समाज का हिस्सा भी नहीं। आपका काम और आपका नाम आपको किसी भी समाज से बाहर करने के लिए काफी होते हैं ना। यहाँ नेपाली लोग रहते हैं, तब भी यहाँ
नेपाली लोग चोरी करते याद आते बदमाश है वो इसे बोलते हैं। हमारा काम सेवा करना है, आदमी बीमार हो गए हम उठा के नीचे ऊपर करते रहे। बहादुर कौन है, बहादुरी क्या होती है, हमने बहादुर लोगों की परिभाषा तो पहले से ही लिख रखी है। ऐसा इंसान जो निडर हो, जो अपनी बात मनवा सके, जिसके पास पैसा हो, लोग हो, गाड़ी हो और जो दूसरों को दबा सके, आज के दौर में वही तो बहादुर है ना। मेरा नाम भी बहादुर है, मैं भी बहादुर हूँ, मेरा काम भी बहादुर है। बस मैं लोगों से ये चाहता हूँ जितने इज्जत विषय हम उतने इज्जत भी चाहते हैं। पर मेघ बहादुर से मिलकर, इनकी कहानी जानकर और उस रास्ते का अनुभव कर जिससे वो हर रोज गुजरते हैं, हम अपने लिए तो बहादुरी की परिभाषा बदल रहे हैं। हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं। क्या आपको